हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। मैं अथर्व आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं इंडिया की सेफेस्ट प्रीमियम हैचबैक के बारे में, जिसने ग्लोबल एनकैप में पूरे के पूरे 5 स्टार्स लाए थे, जो है टाटा की तरफ से आने वाली उनकी अल्ट्रोज। अल्ट्रोज जो टाटा की तरफ से आने वाला जो प्रोडक्ट है, काफ़ी एक मजबूत, मतलब काफ़ी पैकेज और वेल पैकेज आपको ये प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि इसमें आपको सब फीचर्स आते हैं और लोग इसे काफ़ी पसंद भी करते हैं। इसमें 2-3 खामियां हैं, उसके बारे में आपको मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। पर अगर आप देखते हैं तो ये इसका नया कलर है, तो गौर से देखिए, मतलब ये इसका नया कलर आया है, ये इसका ओपल ब्लू कलर। इसमें जो ब्लू आता था वो इसके आई टर्बो वेरिएंट के साथ आता था, पर वो थोड़ा लाइट था और वो आई गेस टर्बो के लिए, मतलब टर्बो के साथ लॉन्च हुआ था। पर ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये इसका सबसे नया कलर है, जो है ओपल ब्लू, जो काफ़ी शानदार दिखता है। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो ब्लैक कलर आप देखते हैं तो वो तो मतलब सबको पसंद नहीं आता है, पर अगर आप देखते हैं तो वही ब्लैक कलर की शेड आपको इसमें मिलती है, पर वो जो कलर है ब्लू कलर है। अगर आप देखते हैं तो जो डेनिम ब्लू आता है ह्यूंडई, मतलब वो वैसा ही कलर है, पर ये इस पर काफ़ी अच्छा जच भी रहा है और आपको काफ़ी अच्छी एक लुक भी दे रही है। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में। तो अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं। एक है नॉर्मल 1.2 पेट्रोल इंजन, जो इस कार का है, एक्जी प्लस वेरिएंट का, जो है 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड, जो 84 bhp निकलता है, जो सेम पंच में आता है, आई गेस टियागो में वही आता है, वही 3 सिलेंडर वाला। इसमें आपको सिर्फ उसके बाद आता है 1.2 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल, जो 110 bhp निकलता है, इसका नया जो 1 साल बाद उसका लॉन्च हुआ। और थर्ड जो इसका आता है वो इसका 1.5 डीजल। तो इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन आते हैं। और इसके अगर कंपटीशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे इसके मेन कॉम्पिटिटर्स है i20 और बलेनो। i20 ठीक है, महंगी है, पर इससे अल्ट्रोज इसे काफ़ी i20 को काफ़ी अंडरकट करती है प्राइजिंग के मामले में, तो वहाँ पे ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। बलेनो अभी नई आने वाली है, तो वो आने के बाद ही उसके साथ कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इसका जो अब जो चल रहा है वेरिएंट, वो उसे कंपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आई गेस 23rd February को उसका लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे इसका कलर मिल जाता है। अगर इसके मॉडल की अगर बात करूँ तो ये इसका टॉप मॉडल है एक्जी प्लस। तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे कीलेस एंट्री मिलती है, लॉक अनलॉक का बटन, बूट अनलॉक करने के लिए, और ये इसके लाइट्स अगर आप देखते हैं तो सेम वो हैलोजन का सेटअप आता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर्स किस बेस में दिया गया है और एक आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर सेटअप में दिया गया है। यहाँ पे आपको LED का कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको फॉग लैम्प जरूर दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको मिलता है इसके LED DRLs, जो काफ़ी एक थिक से होगी, यहाँ पे आपको थिन कलर, मतलब थिन मिलती है। ये इसकी ह्यूमैनिटी लाइन है, आपको यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके इंडिकेटर्स, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इसकी आपको मिल जाएंगे इंडिकेटर्स। LED में आपको कोई नहीं मिलेगा नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी ठीक है, पर अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो अगर आप इसका रेडिएटर है, यहाँ पे आपको विजिबल दिखता है। तो इसके नीचे आपको एक थोड़ा इंजन प्रोटेक्शन गार्ड भी दिया गया है, पर अगर आप काफ़ी ख़राब रास्ते में चलाते हैं तो ये आपको थोड़ा तकलीफ दे सकती है। सिटी में चलाने के लिए सबसे बेस्ट है। चलते हैं अब इसकी साइड प्रोफाइल में। अगर आप ये देखें तो लॉक अनलॉक अगर आप करते हैं तो इसके जो ORVMs है वो फोल्ड अनफोल्ड होते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली इस पर आपको कोई टर्न इंडिकेटर्स नहीं दिए गए हैं, क्योंकि ये जो इंडिकेटर्स है इसके टॉप मॉडल में भी आपको यहाँ पे फेंडर्स पे ही मिलते हैं। यही इंडिकेटर्स अगर यहाँ पे होते हैं तो इसका लुक और भी काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ पे इसके टायर्स जो है 16 inches के आपको यहाँ पे मिलते हैं, डायमंड कट एलॉय व्हील्स। इसकी साइज़ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो है 185/80 R16, तो 16 inches का आपको यहाँ पे डायमंड कट के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है इसका माइक्रोरूफ एंटीना, शार्क फिन आपको यहाँ पे नहीं मिलता, तो ये एक इसमें थोड़ा डाउन साइड है कि यहाँ पे आपको एक शार्क फिन एंटीना आपको नहीं मिलता। ये कलर आप वैसे देखते हैं तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, अगर आप देखते हैं तो पूरा का पूरा ये कलर काफ़ी से कॉम्प्लीमेंट करता है। इसका डोर्स अगर आप देखते हैं तो ये इसके फुल 90 degrees ओपन होते हैं। ये आई गेस फर्स्ट कार थी टाटा से जो इस फीचर्स के साथ आती थी, अल्फा आर्किटेक्चर पर ये बेस्ड है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं फुल 90 degrees ये डोर ओपन है, यस फुल 90 degrees पे। और अगर आप देखते हैं तो ड्यूल टोन का आपको यहाँ पे इंटीरियर्स मिलता है, सॉफ्ट टच दिया गया है, पावर विंडो का स्विच सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ पे इसके मिलते हैं, डोर हैंडल्स, स्पीकर्स की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर हारमन का सिस्टम मिलता है। डोर बंद कर लेते हैं और काफ़ी अच्छी थर्ड की साउंड आती है। जो पिछला डोर है, मैं अगर वो साइड का आपको दिखाऊं तो ये भी फुल 90 डिग्रीज ओपन होता है, और उसकी जो ओपनिंग है काफ़ी यूनिक है। ये सेम अभी पंच में भी आती है, तो अगर आप देखते हैं तो फुल 90 डिग्रीज का डोर ओपन, क्योंकि और इसकी वजह से इसका जो इनग्रेस और आउटग्रेस है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो। उसकी स्पेस अगर बात की जाए तो पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट दिया गया है जिसमें आपको 2 कप होल्डर्स है, और स्पेस काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखते हैं, बैठ के देखता हूँ मैं, और स्पेस
आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। आप 3 जन आराम से यहाँ पे बिठा सकते हैं, मेरे साइज़ की तो आराम से बैठ सकते हैं। पीछे आपको एसी वेंट्स और एक 12V का चार्जिंग सॉकेट भी दिया जाता है। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ऐसा कुछ इसका इंटीरियर मिलता है पीछे से, काफ़ी वेल लोडेड है। पीछे आप देख रहे हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको इसके पासेस शेल्फ भी दिया गया है। इसके बूट में चलते हैं और बूट साइज़ देख लेते हैं पहले। अब देखते हैं इसका रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल से भी काफ़ी कार अच्छी दिखती है। अगर ये कलर की बात करो ना, ये कलर काफ़ी इससे अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो ये आई गेस अल्ट्रोज का जो आप कलर देखते हैं नॉर्मली जो आता है गोल्ड या रेड में, पर ये इसका जो कलर है वो ये काफ़ी फेमस होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा ये रोड्स पे दिखेगी। लाइट्स यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे इसमें LED लाइट्स मिलती है टेल लैम्प में। ये इसकी इंडिकेटर्स और वो सब इसमें आपको यहाँ पे एक पूरी यहाँ पे यहाँ तक इसकी बड़ी यूनिट मिल जाती है, काफ़ी सही दिखती है। टाटा का लोगो है, आपको यहाँ पे वाइपर और वॉशर है, यहाँ पे आपको डिफॉगर्स दिए गए हैं, ऊपर आपको ये स्पॉइलर टाइप कुछ दिया गया है। इसका जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी आपको अच्छी मिल रही है। यहाँ पे आप फ्यूल भरवा सकते हैं, IS 37 लीटर की आपको यहाँ पे इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है। अल्ट्रोज की बैजिंग, उसके बीच में ही आपको ये रियर पार्किंग कैमरा मिलेगा। जब मैं इंटीरियर में जाऊँगा तब आपको इसका जो फीड है वो आपको दिखा दूँगा। सेंसर्स आपको रिवर्स के लिए सिर्फ IS 2 ही है। पीछे की लाइट में भी आपको यहाँ पे फॉग लैम्प दिए गए, मतलब रिवर्स फॉग लैम्प, और रिफ्लेक्टर्स थोड़े नीचे हैं पर IS ओके। आपको 2 ही सेंसर दिए गए, 4 नहीं, क्योंकि इसमें कैमरा ऑलरेडी आता है। बूट स्पेस आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया इसका बूट ओपन करने के लिए। पार्शियल शेल्फ, टॉप मॉडल है ऑब्वियसली, आपको मिल जाएगा। पंचर रिपेयर किट, जो आपको पंच के भी बेस मॉडल चाहता है तो अगर आपका टायर पंक्चर होता है तो टेम्प्रेरी रिपेयर आप इसे करवा सकते हैं। 350 लीटर्स का आपको यहाँ पे इसकी बूट स्पेस मिलता है और स्पेस काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखते हैं तो IS सब कॉम्पिटिशन में इसका ही ज़्यादा है। I20 का भी IS इससे थोड़ा मिलता जुलता है, पर इसका जो लोडिंग लिप है वो काफ़ी हाई है। अगर आप देखते हैं तो मेरा हाथ कितना नीचे जा रहा है। अगर आपका सामान भारी है तो वो निकालने में थोड़ा आपको दिक्कत हो जाएगा। स्पेयर व्हील नॉर्मली आता है आपको, यहाँ पे देख रहे हैं कोई एलॉय आपको नहीं आता। 15 इंचेस का IS वो, और यहाँ पे आपको दिया गया इसका ग्रैब हैंडल इसका बंद करने के लिए। तो अगर आप देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ के साथ ये बंद होता है और काफ़ी दिखने में तो काफ़ी अच्छा दिखता है। अब बात कर लेते हैं अल्ट्रोज के XZ प्लस वेरिएंट की इंटीरियर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर ज़रूर दिया गया है। आपको जो दोनों साइड पे IS नहीं है वो साइड पे एक्चुअली आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, पर यहाँ पे देख रहे थे इसके लॉक अनलॉक के साथ इसके जो ORVMs है वो भी फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो डोर आप देख सकते हैं 90 डिग्री आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फुल 90 डिग्री इसके साथ आपको इसके डोर्स ओपन होते हैं। डोर पे क्या है वो मैं आपको इजीली बता सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा आपको वाइड डोर ओपनिंग है। 4 की 4 पावर विंडोज़ आपको मिलते हैं, एक ही आपको यहाँ पे इस पर मार्किंग है और ये ही आपको ऑटो अप और डाउन मिलती है। ये इसकी ORVM के कंट्रोल जो नॉर्मली नेक्सॉन में यहाँ पे होते हैं, पर यहाँ पे इस गाड़ी में आपको यहाँ पे दिए गए हैं। चाइल्ड लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे बटन, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है, बॉटल होल्डर है और काफ़ी अच्छा आप बॉटल्स रख सकते हैं। सीट हाइट फंक्शन के साथ आते हैं, यहाँ पे अगर देखते हैं तो सीट आपको हाइट फंक्शन के साथ आते हैं। इसमें एक डाउन साइड ये है कि सिर्फ इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। आपको 2 इंजन ऑप्शन है इसमें, पेट्रोल में टर्बो और टर्बो पेट्रोल और नॉर्मल पेट्रोल, प्लस आपको यहाँ पे डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सीट्स जो है आपको यहाँ पे लेते हैं लेदर राइट, आपको यहाँ पे सीट्स मिल जाएगी, फुल लेदर की सीट्स है जो काफ़ी प्रीमियम लगती है। इसमें सिर्फ अगर वेंटिलेशन होता तो बात ही कुछ अलग थी, पर स्टिल आपको काफ़ी अच्छी सीट क्वालिटी मिल रही है। और ये जैसे स्टेयरिंग व्हील आपको काफ़ी अच्छा है। बैठ के देखते हैं अंदर और देखते हैं आपको क्या फीचर्स है। पहले सीट पूरी पीछे बात कर लेते हैं। अब इसके इंटीरियर्स के बारे में आपको कैसा है, मतलब आपको आगे के फीचर्स आपको कैसे मिल रहे हैं। तो अगर आप देखते हैं तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, ये इसके फॉग लैम्प्स के लिए, और ये इसका आइडल स्टार्ट स्टॉप, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी रुकती है ट्रैफिक में तो ये फ्यूल बचाने के लिए। स्टेयरिंग व्हील, पहले तो गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपको पार डिजिटल आपको यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया, जहाँ पे आपको एनालॉग में स्पीड और यहाँ पे आपको इसके टैकोमीटर्स दिए गए थे। इसे चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन भी दिया गया है इसके स्टेयरिंग व्हील पे। अगर आप देखते हैं
तो इसी से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको माइलेज दिखा रही है आप ट्रिप सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे पावर और टॉर्क कितना है वही सब। पर ये काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल रही है यहाँ पे, देख रहे हैं जो क्वालिटी है टाटा की काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिया गया है इसका ऑटोमेटिक हेडलैम्प, या देखिए ऑटो हेडलैम्प आपको इस कार में आते हैं। आपको वाइपर्स दिए गए हैं, इसका जो थ्रो है वो अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ ऐसा कुछ आपको इसका थ्रो मिलेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा पूरा का पूरा विंडशील्ड ये कवर कर लेता है। स्टेयरिंग व्हील अगर बात करूँ तो स्टेयरिंग व्हील की जो शेपिंग है और जो इसकी फील है काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि जो पहले जो आते थे वो उतने अच्छे खास नहीं थे। पर अगर आप देखते हैं तो ये आपको यहाँ पे डी कट का स्टेयरिंग व्हील दिया गया है, टाटा का लोगो है बीच में। राइट साइड में आपको क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स है, यहाँ पे आप क्रूज़ कंट्रोल और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि आपको छोटी सी डंडी दी है चेंज करने के लिए। लेफ्ट साइड में जो इसका टच स्क्रीन आता है 7 इंच का, इसे कंट्रोल करने के लिए आप कॉल काट या उठा सकते हैं। और इसका जो हॉर्न होता है जो टाटा का बीच में नहीं होता, वो आपको साइड में मिलता है, कन्वीनियंट होता है बजाने के लिए। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे इसका हॉर्न मिलता है। इसका जो स्टेयरिंग व्हील है वो आप हाइट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, रीच के लिए आई गेस नहीं, सिर्फ ये हाइट के लिए ऊपर नीचे जाता है, आगे पीछे नहीं आता। ऊपर सनवाइजर पे यहाँ पे आपको एक टिकट होल्डर, बीच में ये डे नाइट वाला IRVM, सनग्लास होल्डर, ये LED की कैबिन लाइट जो काफ़ी अच्छी दिखती है। लेफ्ट साइड के सनवाइजर पे आपको एक मिरर ज़रूर दिया गया है। ग्रैब हैंडल्स दिए ड्राइवर साइड को छोड़ के सभी के साइड पे। और अब आते हैं इसके मेन सेंटर कंसोल पे, जो इसके मेन फीचर्स है वो यहीं से आपको बताऊंगा। यहाँ पे इसकी 7 इंच की टच स्क्रीन जो काफ़ी अच्छी है, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देती है। पर इसका जो ये अगर आप देखते हैं तो जो थीम है वो थोड़ी सी पुरानी लगती है, अगर ये टाटा अपडेट करता है तो वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो इसका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है कुछ ऐसा दिखता है, और जो फीड है काफ़ी अच्छी है, डायनामिक गाइडलाइंस तो ही है पर आपको काफ़ी अच्छी फीड मिलती है। जो क्वालिटी अच्छी है पर जो एक ह्यूंडई लेवल की आपको यहाँ पे इसकी क्वालिटी नहीं मिलती। ये अभी यहाँ पे आपको इसका साउंड मैं आपको सुना देता हूँ, फुल साउंड। अभी मैं तो फिलहाल 18 पे तो देखिए आपने कैसा मस्त इसका साउंड है, क्योंकि इसमें आपको आता है हरमन का स्पीकर सिस्टम, यहाँ पे दिख रहा है हरमन, और हरमन का आपको यहाँ पे इसका म्यूज़िक सिस्टम आता है, जहाँ पे आपको स्पीकर्स ट्वीटर्स मतलब 4 स्पीकर 4 ट्वीटर का सिस्टम मिल जाएगा। यहाँ पे इसके AC वेंट्स, हैजार्ड लाइट का स्विच, और यहाँ पे जो पहले फिजिकल कंट्रोल्स आते थे अब टाटा ने ओमिट कर दिए लास्ट ईयर से, यहाँ पे आपको सिर्फ गाड़ी की ब्रांडिंग पता चलती है। एम्बियंट लाइटिंग की आपको यहाँ पे इसकी जगह मिलती है, यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइटिंग मिलती है जो रात को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन, यहाँ पे यहाँ है इसका एक USB का पोर्ट और एक 12V का चार्जिंग सॉकेट, फ़ोन रखने के लिए स्पेस, वायरलेस चार्जिंग इस कार में आपको नहीं मिलता। और ये है इसका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, जो इसमें सिर्फ मैनुअल आता है। ये एक मेरी शिकायत है इस कार से, क्योंकि अगर आप सिटी में देखने जाए तो जो ऑटोमेटिक्स का जो प्रेफरेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है। पर एक ऑल्टोज एक ही गाड़ी है जिसमें आपको ऑटोमेटिक अभी तक नहीं मिलता, क्योंकि अभी 2 साल हुए इस कार को लॉन्च हुए, अभी तक इसमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। DCT आने वाला था पर वो कब आएगा कुछ आइडिया नहीं। पर अगर आप देखते हैं तो पंच, टियागो, टिगर सब में आपको ऑटोमेटिक रहता है, सिर्फ ये गाड़ी है जिसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं आता। यहाँ पे इसका 1.2 लीटर का वो जो पेट्रोल इंजन है वही है जो ठीक है, पर इसमें टर्बो का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे स्पोर्ट मोड मिलता है, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। पर ये नॉर्मल जो 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड वाला इंजन है, जहाँ पे आपको यहाँ पे इसका इकोनॉमी मोड मिल जाता है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा फ्यूल बचा सकते हैं। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे इसके लेदर में आपको यहाँ पे इसका मिलता है हैंड रेस्ट, जहाँ पे ठीक ठाक स्पेस है, नॉर्मल सा स्पेस है। यहाँ पे इसकी मैनुअल हैंड ब्रेक, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग देती है। और यहाँ पे है इसका ग्लव बॉक्स, जो इसकी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसका ग्लव बॉक्स भी काफ़ी बड़ा है। अगर आप देखते हैं तो 2 कप होल्डर है, यहाँ पे पेन होल्डर है और पीकॉक की ड्राइंग है, आपको इसके अंदर लाइट मिलती है, 2 कंपार्टमेंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे इसका ग्लव बॉक्स मिलता है। तो यही थे इसके फीचर्स। अगर प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो ये आपको करीब 10 लाख की ऑन रोड पड़ती है, विच इज़ ओके आई गेस, क्योंकि i20 भी इससे काफ़ी महंगी है। पर अगर आप देखते हैं तो 8 से 9 लाख के बीच में आपको काफ़ी अच्छी कार मिल रही है। कुछ इसकी जो एक्सक्यू रूम प्राइस है मैं आपको स्क्रीन पे आप दिखा दूंगा, पर इसकी जो ऑन रोड है कुछ 9,96,000 9,96,000 पे आती है।
विच इज़ ओके आई गेस, बट ठीक है। पर जो फीचर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं फुल्ली लोडेड, सिर्फ एक सनरूफ बाकी रह गई, नहीं तो इसमें आपको सब फीचर्स आ रहे हैं और एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो अगर आप देखते हैं तो इसका जो इंजन है वो भी ठीक है, सिटी में चलाने के लिए सबसे बेस्ट है। पर ठीक है, थोड़ा अंडर पावर लगेगा, पर अगर आप फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी कार देखना चाहेंगे तो ये इसके आपकी सबसे बेस्ट बेट होगी, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है और सेफ है। तो यही थी इसकी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।